आज हम सब लोग जिनको सुनने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम सब लोग उनको निश्चित रूप से सुने। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आप सब इस बार के चुनाव में, अभी आप सब ने संकल्प ले लिया है, पिछले बार की तुलना में हमें अधिक वोट इस बार ला करके धनबाद लोकसभा सीट जीतना है। इस गर्मी की चुनौती को भी हमें स्वीकार करना है और अपोजिशन की चुनौती को भी हमें स्वीकार करना है। आज आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश में और प्रदेशों में, चाहे देश की सरहद की बात हो, सरहद की बात हो या देश के अंदर हो, जो सुरक्षा की माहौल उन्होंने पैदा किया, आज आम लोग भय मुक्त होकर के जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम झारखंड में देखेंगे, और झारखंड भी नहीं और आपके धनबाद शहर में आज आम लोग भयभीत हैं। आए दिन यहाँ से खबरें आती, यहाँ इनकी मर्डर हो गई, आए दिन ये खबर आते रहते हैं यहाँ पर कि अमुक से रंगदारी मांगा जा रहा है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, क्या इस बार इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को जिताना, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, और उसके 6 महीनों के आते आते फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो आज यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है धनबाद की धरती पर, उस गुंडागर्दी को रातों रात समाप्त कर दिया जाएगा। और इसलिए मैं आज आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सबके ये सहयोग से यह संभव हो सकेगा, और उसकी शुरुआत आपको इस लोकसभा के चुनाव से करना है। अभी आपको बता रहे थे कि पिछले बार के चुनाव में 5 विधानसभा यहाँ से जीते थे, 1 विधानसभा छूट गया था। इस बार लोकसभा में 6 के 6 विधानसभा भी जीतना है, और आने वाले कल झारखंड को जीतने के लिए धनबाद को भी जीतना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील कर रहा हूँ, क्योंकि केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनती है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, झारखंड में भी जब बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास का काम होता है, राज्य का विकास होता है, गाँव का विकास होता है, यहाँ के लोगों का विकास होता है। लेकिन जब एनडीए अलायंस के नेताओं की सरकार बनती है तो अपना ये लोग विकास करते हैं, परिवार की विकास करते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि झारखंड के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से वोट देना, और यहाँ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, गरीबों के घरों तक गैस की कनेक्शन, गरीबों को शौचालय, गरीब के कोई बच्चे कोई भूखे नहीं रहे, उसके लिए भी प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री भेज रहे, ताकि गरीब भी भूखे नहीं सोए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर कोई आदमी बीमार होता है, गरीब, तो बिना इलाज के वो नहीं रहे, उनका भी अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक के बीमा, ताकि हर गरीब 5 लाख रुपया तक बीमार होने पर अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। कौन ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश में हुआ है जो गरीबों की घरों की भी चिंता करते हैं, चूल्हा की भी चिंता करते हैं, भोजन की भी चिंता करते, और जब बीमार हो तो उनकी दवा के भी, इलाज की भी चिंता करते। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो प्रधानमंत्री हमारी चिंता करते, गांव गरीब और किसान मजदूरों की चिंता करते, हमें वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए हम सबको वोट करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। और फिर से आखिरी में इतना ही निवेदन करूंगा कि इस बार की जो चुनाव है,
चाहे गर्मी है, उस गर्मी में भी बिना विचलित हुए हम सब लोग सवेरे उठ करके सबसे पहले पोलिंग बूथ पर हमें पहुंचना है, और जहां कहीं भी हम सब लोग कमल निशान को देखेंगे वहीं बटन दबाएंगे और यहां से ढुल्लू महतो जी को जिताकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, धन्यवाद।